इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। पहला जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। और देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप देखेंगे 6A ग्रुप एलिमेंट की, तो 6A ग्रुप एलिमेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। देखिए इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे 6A ग्रुप में, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सेलेनियम होगा, टेलेनियम होगा और पोलोनियम होगा। और इसमें से जो ऑक्सीजन और सल्फर है ये नॉन मेटल का काम करता है। ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है नॉन मेटल का तरह काम करता है, सेलेनियम और टेलेनियम जो होता है मेटलाइट की तरह वर्क करता है, और पोलोनियम जो होता है वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होता है। याद रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल का काम करता है, सेलेनियम और टेलेनियम जो होगा मेटलाइट का काम करेगा, और पोलोनियम जो होगा बताएगा वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल का काम करेगा। तो इस ग्रुप में देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलेनियम है और पोलोनियम है। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल की तरह ऐड करेंगे और सेलेनियम और टेलेनियम मेटलाइट की तरह ऐड करेंगे, जबकि पोलोनियम वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल की तरह काम करेगा। देखिए द फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप याद रखिए ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलेनियम आर आल्सो कलेक्टिवली कॉल्ड चालकोजेन। इनको कहते हैं चालकोजेंस या और फैमिली एलिमेंट यानी और फार्मिंग एलिमेंट कहते हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द मेटलिक ओर अकर्स एज किस तरह से रहते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में। याद रखिएगा पहले चार मेंबर जो हैं इसके ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलेनियम जो होते हैं इनको कलेक्टिवली चालकोजेन का नाम देते हैं, और फार्मिंग एलिमेंट होते हैं, क्योंकि बताइए जो मोस्ट ऑफ द मेटलिक ओर होंगे वो किस फॉर्म में होते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए जरा बताइए इनके फर्स्ट फोर मेंबर को कलेक्टिवली नाम देते हैं चालकोजेन का। क्या नाम देते हैं? चालकोजेन का नाम देते हैं। तो देखिए इनकी दो बातें हो गई, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है, आपको बता दें यहाँ ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो बताएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो बताएगा इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 2 6 होगा, 1s2 2s2 और 2p4 होगा। तो याद रखिए सेकेंड ऑर्बिट में जरा बताएगा डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए बताइए ऑक्सीजन वेरिएबल वैलेंसी को नहीं शो करता है, इसीलिए ये ना तो OF4 का फॉर्मेशन करता है ना OF6 का फॉर्मेशन करता है, ना तो ये OF4 का फॉर्मेशन करेगा ना OF6 का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए वेरिएबल कोवेलेंसी को शो नहीं करता है। जबकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं सल्फर में, सल्फर उसी ग्रुप का एलिमेंट है, सल्फर में डी ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होगा, 2s6 होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 होगा, तो थर्ड ऑर्बिट तक आ गए हैं, इसका मतलब उसमें डी ऑर्बिटल होगा, इसीलिए सल्फर जरा बताइए SF4 भी बनाता है, SF6 भी बनाता है। सल्फर के जो कोवेलेंसी होती है वो 2, 4 और 6 होती है, इसका मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और 6 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। जबकि ऑक्सीजन बताएगा ऑक्सीजन की कोवेलेंसी बताएगा 2, 4, 6 नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है। और याद रखिएगा इसीलिए OF4 और OF6 पॉसिबल नहीं होता, जबकि SF4 और SF6 आसानी से बन जाता है। तो देखिए डी तो डी ऑर्बिटल अब्सेंट होगा ऑक्सीजन में, इसीलिए OF4 और OF6 का फॉर्मेशन नहीं होता, और जबकि सल्फर में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है इसीलिए SF4 और SF6 का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं है इसीलिए ये OF4 और OF6 को नहीं बनाते हैं, सल्फर बताएगा थर्ड ऑर्बिट तक पहुंचता है इसलिए यहां पर डी ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए इसकी वेरिएबल कोवेलेंसी 2, 4, 6 होती है और ये SF4 और SF6 बनाते हैं। याद रखिएगा ये वेरिएबल कोवेलेंसी का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा जिनके पास भी डी ऑर्बिटल होते हैं वो वेरिएबल कोवेलेंसी को शो कर सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कहेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर याद रखिएगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ शेल्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ शेल्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। याद रखिएगा ऑक्सीजन से अगर हम लोग पोलोनियम तक लें तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करते हैं। देखिए एटॉमिक साइज का आपको बता दें जनरल जेड डैश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है इन पीरियड में, इसका मतलब एटॉमिक साइज जो होगी या एटॉमिक रेडियस जो होगा
ये बताएगा लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, पीरियड में डिक्रीज करेगा, जबकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर्स ऑफ ऑर्बिट से, तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बताइए टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। याद रखिएगा इसका मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम ग्रुप में बताइए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं। अब देखिए हम लोग सेकंड नंबर पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बताइए 16 ग्रुप एलिमेंट के, तो कहेंगे बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू गेन टू इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू गेन टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, याद रखिएगा ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और साइज भी कम होती है, इसीलिए बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करता है अलॉन्ग विथ +2, जैसे कि OF2 में, और परऑक्साइड बताइए OF2 में क्या होता है +2 होता है, और OF2 में ऑक्सीजन का बताइए क्या होगा +2 होगा और -1 होगा परऑक्साइड में, याद रखिएगा ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -2 होता है और +2 भी ये शो करता है। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है आपको बता दें, इसकी रेंज -2 से लेकर +2 तक होती है, इसका मतलब ये -2 भी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है, 0, 1 और 2 भी शो कर सकता है। देखिए OF2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +2 होता है, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होता है -1 होता है, जबकि हम लोगों ने बताया था परऑक्साइड की बात किया था सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ओजोनाइड में -1/3 होता है, याद रखिए नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है, और बताइए सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है, ओजोनाइड में -1/3 होता है, और जबकि OF2 में ऑक्सीजन फ्लोराइड में बताइएगा +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, ड्यू बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू गेन टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 अलॉन्ग विद +2 इन OF2 एंड -1 इन परऑक्साइड, याद रखिएगा। और देखिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एलिमेंट शोज ऑक्सीडेशन नंबर -2 to +6, याद रखिए अदर एलिमेंट यानी सल्फर और भी जितने एलिमेंट हैं वो याद रखिएगा वो माइनस, उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -2 से लेकर +6 तक होती है, याद रखिएगा -2 से +6 तक। तो ऑक्सीजन को छोड़कर ऑक्सीजन की रेंज होती है -2 से +2, इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट की रेंज होगी -2 से +6 तक होगी। अब थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक पर आते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर आते हैं या आयोनाइजेशन इंथैल्पी पर आते हैं। देखिए आपको बता दें लेफ्ट टू राइट जब आप पढ़ेंगे तो आईपी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, Z- से होता है, इसका मतलब आईपी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ता है तो आईपी भी क्या होगा बढ़ेगा, और याद रखिएगा टॉप टू बॉटम आईपी क्या होता है डिक्रीज करता है ग्रुप में, क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, तो नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो बताइएगा यहाँ पर नंबर्स ऑफ ऑर्बिट के बढ़ने से आईपी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो देखिए याद रखिएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आईपी क्या होगा, आईपी इंक्रीज करेगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा आईपी डिक्रीज करेगा क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, ये रिलेशन नीचे लिखा हुआ है इसको आप समझिएगा। देखिए लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखें तो जनरल ये होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट पीरियड है तो यहाँ पर लगातार इंक्रीज करना चाहिए था आईपी, लेकिन फर्स्ट आईपी यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का आर्डर देखते हैं तो देखिए ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर भी, और आपको बता दें दोज एलिमेंट विच हैव हाफ फिल या फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैव ग्रेटर आईपी देन इट्स एडजेसेंट एलिमेंट, याद रखिएगा ऐसे एलिमेंट जिनका हाफ फिल या फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उनकी आईपी उनके अगल बगल के एलिमेंट से ज्यादा होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। आपसे बताया कि दोज एलिमेंट विच हैव हाफ फिल्ड या आपसे बताया दोज एलिमेंट विच हैव हाफ फिल्ड या फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैव ग्रेटर आईपी देन इट्स एडजेसेंट एलिमेंट, इसीलिए देखिए लिथियम का 2s1 हाफ फिल्ड है जबकि बेरिलियम का फुल फिल्ड है, तो बेरिलियम का लिथियम से तो ज़्यादा पहले से होता था, बोरान से भी क्या हो जाएगा इनका फर्स्ट आईपी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से देखिए नाइट्रोजन में भी हाफ फील्ड है तो नाइट्रोजन का कार्बन से पहले से ही ज़्यादा था, ऑक्सीजन से भी इनका ज़्यादा हो जाएगा यानी फर्स्ट आईपी का। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर भी इफेक्ट करता है, और जिसकी हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी आईपी ज़्यादा होती है, याद रखिएगा एडजेसेंट एलिमेंट से ज़्यादा होगी। इसी तरह से देखिए सेकंड आईपी निकालेंगे तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, सेकंड आईपी का मतलब ये हो गया कि एक बार आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो 2s1 लिखा था यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुके हैं, और यहाँ पर 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 और 2p4 होगा।
अब देखिएगा यहाँ पर लिथियम क्या है, फुल फिल्ड है, तो इसका बेरिलियम से ज़्यादा हो गया इसकी सेकंड आईपी, और बोरान बताइए फुल फिल्ड है तो इस बेरिलियम से बताइए ज़्यादा था ही पहले से, कार्बन से भी इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स कार्बन से भी इसका आईपी सेकंड आईपी ज़्यादा हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर हाफ फिल्ड कौन है, ऑक्सीजन है, तो हाफ फिल्ड पहले से आप बताइए ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से पहले से ही सेकंड आईपी ज़्यादा था, फ्लोरीन से भी ज़्यादा हो गया। याद रखिएगा जब भी कोई एलिमेंट हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्टेट में हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हो, तो उसकी आईपी उसके एडजेसेंट एलिमेंट से ज़्यादा हो जाती है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। याद रखिए फर्स्ट आईपी के केस में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, सेकंड आईपी में से पहले से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। तो जैसे देखिए सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो Na+ प्लस बन जाता है, अब अगर Na+ प्लस में से हम अगला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो सेकंड आईपी का केस होगा। तो याद रखिए सेकंड आईपी जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होती है, फर्स्ट आईपी होती है, ये बात हमने पहले भी आपको बताया है कि सेकंड आईपी क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन बताएगा फर्स्ट आईपी से होगी। नंबर है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी या बताएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, और देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब आपको तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात करते हैं। देखिए टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिक्रीज करना चाहिए क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट लगातार बढ़ता है। लेकिन आपको बता दें देखिए यहाँ पर सल्फर सेलेनियम और टेलिनियम और पोलिनियम का ऑर्डर तो वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, याद रखिएगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी देन सल्फर, याद रखिएगा बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी देन सल्फर, याद रखिएगा ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था सल्फर से, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट नेचर होता है, कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से इसकी बताएगा निगेटिव बताएगा कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होती है, सल्फर से कम होती है, और ऑक्सीजन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज विच मेक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एंड रिपल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा ऑक्सीजन के जनरली सल्फर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से सल्फर से बताएगा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, ऑक्सीजन हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज विच मेक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एंड रिपल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जनरल टॉप टू बॉटम बताए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का कॉम्पैक्ट नेचर होता है और ऑक्सीजन की बताई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है क्योंकि इसकी स्मॉल साइज होती है और जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई यहाँ पर। और देखिएगा द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट हैव रिलेटिव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव रिलेटिव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू विच डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, याद रखिए सल्फर से पोलोनियम में लगातार ये डिक्रीज करता है जबकि ऑक्सीजन की लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात करनी थी, जो लेफ्ट टू राइट पीरियड में अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, बिल्कुल आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन याद रखिए ऑक्सीजन की लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और हमने बताया था ऐसा क्यों होता है, इसके स्मॉल साइज की वजह से, जिसकी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, हाई चार्ज डेंसिटी हो जाती है और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल करने लगता है। देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर देखें किलो जूल पर मोल में तो 140.9 होती है, जबकि सल्फर की उससे ज्यादा है 200.7 है, सेलेनियम का उससे कम 195, टेलेनियम का देखिएगा क्या है, टेलेनियम का 190.1 है, पोलोनियम का 180.0 है। याद रखिएगा सल्फर से लेकर पोलोनियम तक लगातार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, होना भी चाहिए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, लेकिन ऑक्सीजन की लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और इसके पीछे हम लोगों ने रीजन बताया, दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज विच मेक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एंड रिपल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होता है, इज द निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी को एक तरह से सेम ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो है इज द निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। और याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, रीजन वही है, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर्स ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, नंबर्स ऑफ ऑर्बिट से इसका इनवर्स रिलेशन है। होता क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सबसे पहले जान लीजिए, आपको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कहेंगे द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन गैसेस आइसोलेटेड एटम, यही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ
वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखिए कहेंगे द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन गैसियस आइसोलेटेड एटम, यही कहलाएगा, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हम लोगों ने बोला था पीछे आईपी के बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल, कहेंगे कहा था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता था, याद रखिए वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता था, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। यहां पर कहेंगे द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन गैसियस आइसोलेटेड एटम, यही कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने कितने कैरेक्टरिस्टिक, फोर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली, याद रखिएगा हम लोगों ने एटॉमिक आयनिक रेडियाई की बात कर ली, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली, और थर्ड नंबर हम लोगों ने आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ली, फोर्थ नंबर पर हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात किया। अब फिफ्थ नंबर पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। आपको बता दें नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमंग द एलिमेंट, याद रखिएगा फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन का नंबर आता है, और विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन, याद रखिए विद इन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, डिक्रीज करता है, जैसे आईपी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ग्रुप में टॉप टू बॉटम, बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। दिस इंप्लाइज दैट मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, इसीलिए देखिएगा ऑक्सीजन और सल्फर क्या होता था, नॉन मेटल की तरह ऐड करता था, जबकि सेलेनियम और टेलीनियम बताइएगा मेटलाइट की तरह ऐड करता था, और पोलोनियम बताइएगा वीक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल था। तो याद रखिएगा टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए डिक्रीज करेगी, इसी वजह से मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसी वजह से जरा बताइए ऊपर के जो एलिमेंट होते थे वो नॉन मेटल होते थे और नीचे का जो होता था वो मेटल की तरह ऐड करता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बता दें क्या होता है, द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट, याद रखिएगा द पावर ऑफ एन एलिमेंट, सिंपली आपको बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ये याद रखिएगा जो पावर होती है अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर को वही कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लेफ्ट टू राइट ये भी क्या करता है, इंक्रीज करता है पीरियड में, और जबकि टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं, थर्ड स्लाइड पर यहाँ पर आते हैं, कैटिनेशन की बात करते हैं। आपको बताते हैं कैटिनेशन क्या होता है, द डायरेक्ट बॉन्डिंग विद सिंगल और मल्टीपल to form chain or ring is called catenation, और catenation is the mainly property of non-metal, किसकी property होती है, non-metal की होती है, which directly depends upon bond energy, याद रखिएगा the direct bonding with single or multiple bond to form chain or ring is known as catenation, catenation is the mainly property of non-metal which directly depends upon bond energy, ये पीछे हम लोगों ने बताया था। और याद रखिएगा oxygen has some बट सल्फर हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म या टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन, याद रखिए ऑक्सीजन की तो बहुत कम होती है कैटिनेशन पावर, लेकिन सल्फर की ज्यादा होती है। वैसे हम लोगों ने जो ऑर्डर बताया था कैटिनेशन पावर का, देखिए सबसे ज्यादा कार्बन में होता है, यानी फोर्थ ग्रुप एलिमेंट में होता है, फोर्थ ए ग्रुप में होता है, यानी 14 ग्रुप में होगा, उसके बाद सिलिकॉन का नंबर आता है, फिर सल्फर, देखिए थर्ड नंबर पर सल्फर आता है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी सी एस आई एस पी नो का आर्डर है। तो देखिए इस ग्रुप में सल्फर की बताइए ग्रेटर टेंडेंसी होगी फॉर कोऑर्डिनेशन की, ऑक्सीजन चेन्स आर लिमिटेड टू टू एटम्स, याद रखिए ऑक्सीजन की चेन टू एटम्स या थ्री एटम्स तक लिमिटेड होती है एज इन परऑक्साइड, बट इन सल्फर, बट याद रखिए सल्फर चेन अप टू फोर एटम, बताइए सल्फर की चेन जो होती है वो फोर एटम तक होती है, जैसे पॉलीसल्फाइड में, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की चेन बताइएगा यहाँ पर देखिए टू एटम तक है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है HOOH, और सल्फर के लिए देखिए H2S2 भी होगा, इसका मतलब HSSH होगा, H2S3 होगा, इसका मतलब तीन सल्फर तक, H2S4 होगा, इसका मतलब चार सल्फर तक होगा। तो याद रखिए कैटिनेशन जो होता है द डायरेक्ट बॉन्डिंग विद सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग, यही कैटिनेशन कहलाता है। ये प्रॉपर्टी मेनली नॉन मेटल की होती है, 16 एलिमेंट किसके लिए, सल्फर के लिए ज़्यादा होगी। और देखिए अगर पूरे ग्रुप में अगर पूरे बताएगा अगर वहाँ पर बात करें पूरे पीरियडिक टेबल में, तो सबसे ज़्यादा बताएगा किसकी होती है, कार्बन की होती है, उसके सिलिकॉन की, फिर सल्फर की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, और फिर ऑक्सीजन की। इस ग्रुप में बात करें अगर 16 ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन की लिमिटेड कैटिनेशन पावर होगी, जबकि सल्फर की ग्रेटर बताई कैटिनेशन पावर होगी। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा किसके लिए कैटिनेशन पावर होगी, सल्फर की, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तो बताइए 2 एटम तक लिमिटेड होता है, जबकि सल्फर बताइए 4 एटम तक पॉलीसल्फाइड में चेन बनाता है। तो याद रखिए सल्फर की यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पावर ज़्यादा होगी। अगर ऑर्डर की बात करें, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन एमंग ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन सल्फर की होती है, उसके बाद सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन, फिर टेलेनियम। इसका मतलब सल्फर की कोऑर्डिनेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी, सल्फर से कम होगी सेलेनियम की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर टेलेनियम की। याद रखिए ऑक्सीजन की कोऑर्डिनेशन पावर थोड़ी कम होती है। ये ऑर्डर है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेशन का है। देखिए अब बात करते हैं 7th नंबर पर, यानी 7th नंबर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, एलोट्रॉपी की बात करते हैं। देखिए ऑल दीज एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप शो एलोट्रॉपी, याद रखेंगे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप होते हैं, और देखिए ऑक्सीजन के 2 होते हैं, 2 नॉन मेटलिक फॉर्म होती है, दैट इज़ O2 एंड O3, यानी ऑक्सीजन और ओजोन। देखिएगा सल्फर के सेवरल फॉर्म होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे रॉम्बिक सल्फर में एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, प्लास्टिक सल्फर होता है। तो देखिए ऑक्सीजन के 2 होंगे, 2 नॉन मेटलिक फॉर्म होंगे O2 और O3। सल्फर के सेवरल फॉर्म होंगे एलोट्रॉपी में, रॉम्बिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, प्लास्टिक सल्फर होगा। सेलेनियम के 8 होते हैं, देखिए सेलेनियम के कितने हैं, 8 हैं, और लाइक रेड नॉन मेटलिक होगा और एंड ग्रे मेटलिक होगा। मेटलिक वाला मोर स्टेबल होता है और नॉन मेटलिक कम स्टेबल होगा। याद रखिएगा सेलेनियम के 8 होते हैं, रेड वाला नॉन मेटलिक होता है और ग्रे वाला मेटलिक होता है, मेटलिक वाले मोर स्टेबल होते हैं। टेलेनियम और पोलेनियम की बात करेंगे तो टेलेनियम के 2 नॉन मेटलिक, 2 नॉन मेटलिक होते हैं और 1 मेटलिक होता है, मेटलिक वाला बताइए क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और पोलेनियम के 2 फॉर्म होते हैं, अल्फा एंड बीटा, बोथ मेटलिक होंगे, दोनों के दोनों मेटलिक होंगे। याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेशन की बात बताइएगा, ये एलोट्रॉपी की बात किया गया यहाँ पर कि इनके बताइएगा यहाँ पर एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये एलोट्रॉपी की बात कर रहे थे, तो ऑल दीज एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट शो एलोट्रॉपी। ऑक्सीजन के 2 होंगे, सल्फर के सेवरल फॉर्म होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर, जबकि सेलेनियम के 8 होते हैं, रेड वाला नॉन मेटलिक होगा, ग्रे वाला मेटलिक होगा, मेटलिक मोर स्टेबल होता है। टेलेनियम के बताइएगा, टेलेनियम के 2 फॉर्म होते हैं, नॉन मेटलिक एंड मेटलिक, मेटलिक वाला मोर स्टेबल होता है। और देखिए पोलेनियम के 2 फॉर्म होंगे, अल्फा एंड बीटा, बोथ मेटलिक होंगे। देखिए